एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद दो गुटों के बीच में मारपीट हुई है। महाराष्ट्र के अमरावती में द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद हिंसक झड़प देखने को मिली है। फिल्म देखने के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए। हिंसा करने वाले 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिल्म देखने के बाद एक गुट ने जय श्री राम के नारे लगाए। नारेबाजी के बाद दोनों गुटों के बीच तीखी बहस हो गई। तीखी बहस के बाद दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस फिल्म को लेकर विवाद बढ़ते जा रहा है। विपक्ष लगातार फिल्म को बैन करने की मांग कर रहा है। देश के 9 राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है, जिसमें ज्यादातर भाजपा शासित राज्य है। फिल्म कमाई के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। 180 करोड़ रुपए फिल्म 11 दिनों में कमा चुकी है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद दो गुटों में मारपीट की घटना सामने आई है। महाराष्ट्र के अमरावती में द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद हिंसक झड़प हुई है। फिल्म देखने के बाद दो गुट के लोग आपस में भिड़ गए। हिंसा करने वाले 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिल्म देखने के बाद एक गुट के तरफ से जय श्री राम के नारे लगाए गए। नारेबाजी के बाद दोनों गुटों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। तीखी बहस के बाद दोनों गुटों में मारापारी शुरू हो गई। ये फिल्म अब हिंसक रूप लेते जा रही है, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद थिएटर में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। और विपक्ष का कहना है कि यह फिल्म दो समाज के बीच में खाई को बढ़ा रही है, नफरत की दीवार खड़ा कर रही है। तो क्या द फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बैन लगेगी या रोक लगाया जाएगा, क्योंकि हिंसक झड़प की घटना सामने आई है।